आतंकवादी है, आतंकवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुर जी, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मुक मोर्चा पूरी प्रोटेक्ट है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या खुला सकते? आज हम सब यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं अपना निषेध जाहिर करने के लिए। आपको पता होगा 21 तारीख को पार्लियामेंट में जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है उसमें एक घटना हुई जिसमें बीजेपी के एक एमपी ने, रमेश भदूरी जी ने, दानिश अली एक और एमपी है, उनके साथ कितनी बदतमीजी की, उनको गालियां दी गई, उनको आतंकवादी बोला गया, उनको उग्रवादी बोला गया और बहुत अश्लील वर्ड्स का यूज किया गया उनके लिए वहां पर। तो उसी का हम निषेध जाहिर करने के लिए आज यहां पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जिसको हम सब भारत के लोग न्याय का घर बोलते हैं, जहां पर रूल्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं, वहां पर ऐसी घटना हो रही है तो फिर उसके बाद आम जगहों पर तो क्या ही हम एक्सपेक्ट करें। और जो एमपी रमेश भदूरी जी है उनके बाजू में दूसरे एमपी बैठे थे, अगर आप वो वीडियो देखेंगे जो लीक हुई है उसमें वो सब हंस रहे हैं, और हमारे जो स्पीकर है पार्लियामेंट के उनको भी हंसी आ रही थी बट उन्होंने कंट्रोल किया। तो एक पार्लियामेंट जहां पर लॉ बने जाते हैं, जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा सेफ फील होना चाहिए, वहां पर एक इक्वल उनके ही इक्वल स्थान पे जो बैठे थे उनके इक्वल पोजीशन पे एक और एक एमपी है दानिश अली, उनके साथ ऐसा बिहेवियर किया गया तो आप सोचिए कि बाकी जो माइनॉरिटीज है उनको क्या फील होना चाहिए। आम नागरिक को आप किस तरीके से देखोगे जब एक एमपी को आप ऐसी बातें कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो यानी माइनॉरिटीज वो कहीं भी सुरक्षित नहीं, आप कहीं भी उनको कुछ भी बोल सकते हो और गिरावट नहीं करा सकते। अभी आप देखिए इनका दोगलापन जो है, एक आप बोलेंगे दोहरी इनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इनका जो दोहरा मापदंड आप बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड्स, आप अभी जो गल्फ के किंग आते हैं, जो गल्फ से लोग आते हैं, प्रिंस आते हैं, आप उनके वेलकम के लिए रेड कार्पेट बिछा देते हैं, आप उनको गले मिल के उनका वेलकम करते हैं और खुद के देश के मुसलमानों से इतनी नफरत है तो फिर उनका क्यों आप इतने अच्छे से वेलकम करते हो। आपने G20 का इतना हल्ला किया, इतना नारे लगाए G20 के, उस पर एक तो स्लोगन लिखा हुआ था कि संस्कृत स्लोगन है वसुदेव कुटुंबकम, उसका मतलब क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ तो ठीक है आप छोड़ो, पर आप भारत देश को ही फैमिली की तरह, भारत देश में जो लोग रहते हैं क्या आप उनको फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हो? कौन ऐसा अपनी फैमिली के साथ रिलेट करता है, कौन उनको इतना गिरा हुआ फील कराता है? आप एक तरफ अंग्रेजों की जो चीज़ें हैं उनसे आप चिढ़ते हो पर आप पॉलिसी तो उनकी फॉलो कर रहे हैं ना, अभी भी डिवाइड एंड रूल। लेकिन उसमें और भी कई सारे कांग्रेस के एमपीओ तो मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी दानिश अली का उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में समर्थन नहीं किया, तो ये बेबसी क्यों है कांग्रेस के एमपी के जिसमें दानिश अली के टाइम पे इतनी बेबसी क्यों दिखी? देखिए अभी आपने थोड़े दिन पहले विधानसभा में भी अबू हाशिम जी के साथ ऐसा बिहेवियर किया गया था, अभी पार्लियामेंट में भी किया गया। सबसे वहाँ पे जो हमारे स्पीकर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पर वो स्पीक माइक ऑफ करे, वैसे वो फेमस है माइक ऑफ करने के लिए, जब भी कोई अपोजिशन कुछ बात करती है तो वो फौरन माइक ऑफ कर देते हैं, पर इस घटना के दौरान उन्होंने माइक ऑफ नहीं किया। अभी ये जो घटना हुई 2-3 मिनट 5 मिनट में आप बोलेंगे हुआ, उसके दौरान उसके बाद तो सबने अपना जो निषेध है वो जाहिर किया है। अगर आप देखें न्यूज तो जितने भी अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने आगे आकर अपना निषेध जाहिर किया है, और मैं इसके लिए उनका सलाम करती हूँ कि उन्होंने एटलीस्ट आगे आके अपना निषेध जाहिर किया है इस चीज को लेकर, जबकि बीजेपी को खुद बीजेपी के लीडर्स उनको खुद बाहर आके माफी मांग लेनी चाहिए थी अभी तक के, और कार्रवाई उन पर हो जानी चाहिए पर अभी तक की उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम सब एज यूथ एज पीपल ऑफ इंडिया हम ये डिमांड करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको प्राइम मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट करनी है कि सर आप सिर्फ बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, आप भारत देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये जो घटना हुई है इसमें आप इंटरफेयर कीजिए और जल्द से जल्द जो एमपी है जिन्होंने ये हरकत की है उनके ऊपर आप कार्रवाई।